हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के ऑफिशियली स्नॉबिस के बारे में, जो कि डिज्नी कंपनी ने रिवील्ड करा है। तो इस डिज्नी कंपनी ने जो स्नॉबिस रिवील्ड करा है वो बिल्कुल छोटा सा है, 3 लाइन का 4 लाइन का, जो कि मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। तो स्टार्ट होता है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से, जो कि पूरा खंडर बन चुका है और थैनोस मिड एंडर में लौट कर खुशियाँ बांट रहा है, मजे ले रहा है, सिंपल। देन उसके बाद यहाँ पर एवेंजर्स फिर से बदला लेने के लिए एक बार दोबारा इकट्ठा होंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब परिणाम कुछ भी हो मतलब कोई मर सकता है, पॉसिबिलिटी। तो गाइस, ये था वो छोटा सा स्नॉबिस जो कि डिज्नी ने रिबिल्ड करा। अब मुझे लगता है कि जो डिज्नी ने स्नॉबिस रिबिल्ड करा है, तो क्या ये मूवी सिर्फ इस पे ही बेस्ड है कि थैनोस को हराने के लिए एवेंजर एक बार फिर असेंबल होंगे, देन उसके बाद चाहे परिणाम कुछ भी हो। थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आप लोगों को? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि पॉसिबिलिटी इस मूवी में इतने सारे सरप्राइजेस हैं टाइम ट्रैवलिंग के साथ साथ, जो कि हमें आगे पीछे फ्यूचर पास्ट में सब जगह ले जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियल में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे, या तो उस पे आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।